तो हेलो दोस्तों, आज के इस अमेजिंग और पावरफुल वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सब सीखने वाले हैं कि आप अपने मोबाइल से ही पता कर सकते हैं कि आपके आधार कार्ड से कितना सिम चलाए जा रहे हैं, और अगर आपका सिम कार्ड से कोई दूसरा भी चला रहा है, यानी कि फर्जी सिम कार्ड आपके आधार कार्ड से लिया हुआ है, तो आप उसे कैसे बंद कर सकते हैं, ये भी प्रॉब्लम इस वीडियो में हम सब सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसको पता करने के लिए आपके आधार पर कितने सिम को चलाए जा रहे हैं, पता करने के लिए आपको सबसे पहले करना क्या होगा, यहाँ पे क्रोम ब्राउजर को आपको ओपन कर लेना है। आप क्रोम ब्राउजर में, यहाँ पे मोबाइल में भी ओपन कर सकते हैं, आप लैपटॉप में भी ओपन कर सकते हैं, यानी कि दोनों में हम इस प्रॉब्लम को देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आप ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च बार में टाइप करना है संचार साथी। आप जैसे ही यहाँ पे सर्च कराएंगे इस वेबसाइट को, तो यहाँ पे आपके सामने एक वेबसाइट का पेज खुल के आ चुका है जिसका नाम है संचार साथी। आपके सामने ये वेबसाइट खुल के आने के बाद आपको इसी वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सामने यहाँ पे देख पा रहे हैं कि संचार साथी का एक पेज खुल के आ चुका है। अब आपको यहाँ पे नीचे की साइड में इस तरीके से थोड़ा सा ड्रैग करना है, यानी कि थोड़ा सा नीचे की साइड में आपको आ जाना है। आपको आने के बाद यहाँ पे तीसरे नंबर पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि नाउ योर मोबाइल कनेक्शंस का एक ऑप्शन, इसी पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये किस तरीके से पेज खुल के आ चुका है संचार साथी का। आपको यहाँ पे नीचे की साइड में इस तरीके से थोड़ा सा ड्रैग करना है। ड्रैग करने के बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपके सामने यहाँ पे 10 डिजिट मोबाइल नंबर को यहाँ पे फिल करने के लिए बोला जा रहा है, यानी कि आपका आधार से जो भी आप मोबाइल नंबर निकलवाए हैं उसको यहाँ पे आपको फिल करना होगा। तो यहाँ पे हम अपना मोबाइल नंबर फिल कर लेते हैं। फिल करने के बाद आपके सामने यहाँ पे कैप्चा दिखाई देगा, इस कैप्चा को यहाँ पे भरना होगा आपको। अगर ये कैप्चा आपको समझ में नहीं आता है तो यहाँ पे आपको रिफ्रेश का ऑप्शन दे रहा होगा, इसको आपको कैप्चा को रिफ्रेश कर लेना है। अब आपको नीचे की साइड में यहाँ पे दिखाई देगा एंटर कैप्चा का एक ऑप्शन, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस बॉक्स में आपको यहां पे इस कैप्चा को फिल करना होगा। तो यहां पे हम इस कैप्चा को फिल कर लेते हैं। फिल करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे की साइड में दिखाई दे रहा होगा वैलिडेट कैप्चा का एक ऑप्शन, इसी पे आपको क्लिक करना है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख पा रहे हैं सक्सेस ओटीपी सेंड कर दिया गया है। आप जो भी यहाँ पे मोबाइल नंबर ऐड किए होंगे तो यहाँ पे हम ओके पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं मोबाइल में हमारे ओटीपी आया है कि नहीं। तो हमारे मोबाइल में ओटीपी आ चुका है, उस ओटीपी को हमें यहाँ पे नीचे की बॉक्स में यहाँ पे फिल करना होगा। तो हम यहाँ पे नीचे की बॉक्स में ओटीपी को फिल कर लेते हैं। करने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। नीचे की साइड में आपको यहाँ पे थोड़ा सा ड्रैग करने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई देगा लॉगिन का ऑप्शन, इसी पे आपको क्लिक कर देना है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके आधार कार्ड से जितना भी मोबाइल नंबर चल रहा होगा पूरी की पूरी लिस्ट आपके सामने यहाँ पे आ जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे आधार कार्ड से टोटल 2 सिम कार्ड चलाए जा रहे हैं। इसी प्रकार आपके आधार कार्ड से जितने भी सिम कार्ड चलाए जा रहे होंगे वो सिम कार्ड के नंबर यहाँ से आपको दिखाई भी देगा। अगर आपको इसमें से ऐसा भी कोई नंबर दिखा रहा है जो आप नहीं चलाते हैं, यानी कि कोई फर्जी सिम कार्ड है, तो उस सिम कार्ड को आप कैसे बंद कर सकते हैं ये भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पूरा लिस्ट आपके सामने खुल के आया हुआ है। यहाँ से हम चेक कर सकते हैं, यहाँ पे हमारा 2 नंबर चलाया जा रहा है, यानी कि यहाँ पे 4 डिजिट का नंबर भी आपको यहाँ पे शुरू का और लास्ट का दिखाई देगा। अगर आप इसमें आपको ऐसा कोई नंबर दिखा रहा है कि जो आप नहीं यूज करते हैं, यानी कि आपके फैमिली में भी कोई ये नंबर नहीं यूज करता है, यानी कि कोई दूसरा आपके आधार कार्ड से ये नंबर चला रहा है, तो आप कैसे इसे रिपोर्ट करके बंद कर सकते हैं, चलिए हम ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे रिपोर्ट करने के लिए आपको इस नंबर पे, यानी कि जो आपको फर्जी नंबर दिखाई दे रहा है, इस नंबर पे आपको यहाँ पे सामने की साइड में आपको दिखाई देगा चेक का ऑप्शन, इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको रिपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहां पे रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी नंबर को यहां पे रिक्वेस्ट नंबर पे आपको फिल करना होगा। उसके बाद यहां से हम ट्रैक कर सकते हैं यार को, रिपोर्ट नंबर को दर्ज करने के बाद आपको यहां पे यस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहां पे ट्रैक कर सकते हैं, यानी कि आप यहां से बंद भी कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। अगर यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं इसी तरीके से अमेजिंग वीडियो आपके लिए डेली लाता रहता हूं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।